अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे मंच न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाएं। छाता पुलिस द्वारा पकड़े गए ये सभी लोग ग्राम सेमरी के रहने वाले विजय उर्फ कल्ला, जीतू उर्फ जितेंद्र, बबुआ उर्फ बाबूलाल उर्फ चरण सिंह, रघुवीर ठाकुर आदि हैं। दरअसल इन चारों की सेमरी गांव के ही रहने वाले नेत्रपाल प्रेम सिंह, रामदास, नारायण सिंह और योगेश से रंजिश चल रही थी। जमीनी रंजिश के बीच अचानक किसी ने विजय उर्फ कल्ला की बुआ सुखी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले को लेकर इन चारों का कहना था कि ये हत्या उन्हीं लोगों ने की जिनसे रंजिश चल रही थी। इनका कहना था कि नामजद लोग उन्हें मारने आए थे। क्या घटना रही? घटना ये है सर, हमारे पिताजी के 40 साल से यह प्लॉट थी, हमारा जन्म भी नहीं था, उससे पहले ही हम बरतते आ रहे हैं। अब इन्होंने 2 महीने पहले इन्होंने ये रास्ता निकलवाया था जो खिड़की निकली है गाँव की, तो उसको देख करके ये जो भी हैं बंदे, इन्होंने डॉक्टर नेत्रपाल और प्रेम सिंह, इन्होंने कहा ये प्लॉट पप्पी की है, गुड्डी के नाम की, उसकी भाभी है पप्पी की, उनके नाम की है। उन्होंने कहा कि कह तो जबरदस्ती प्लॉट छोड़ दो, नहीं तो धिंगरापने से हम छुड़ा लेंगे। कई बार धमकी दी है उन्होंने बड़े भैया को मारने के लिए, हम तो यहाँ पर रहते नहीं। ये कहानी तो ये कब्जा हो रखा है, ये किसका कब्जा है? ये हमारा ये साहब 40-45 साल से थे। अब जो चार दीवारी हुई है इसमें, ये तो वही है, ये तो नेत्रपाल है और गुड्डी है, पप्पी है, इनका हो रहा है, प्रेम सिंह है, लकड़ी वगैरह सारी हमारी। लेकिन उनके धोखे में वो उनकी बुआ सुखी की हत्या कर गई। इस मामले में पुलिस ने जब छानबीन शुरू की और कड़ी दर कड़ी जोड़ी तो मामला उल्टा ही निकला। दरअसल सामने वाली पार्टी को फंसाने के लिए विजय उर्फ कल्ला, जीतू, बबुआ और रघुवीर ने योजना बनाई। इसी योजना के तहत उन्होंने अपनी बुआ सुखी की गोली मारकर हत्या कर दी और उन लोगों के विरुद्ध हत्या का आरोप लगाया जिनसे इनकी रंजिश चल रही थी। लेकिन पुलिस की छानबीन में सच्चाई सामने आ गई। इसे घोर कलयुग ही कहेंगे कि विरोधियों को फंसाने के लिए भतीजों ने अपनी ही बुआ की गोली मारकर हत्या कर दी। इस संदर्भ में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसपी देहात ने जानकारी दी। थाना छाता के हत्या हुई थी 9/3/18 को रात करीब 2:30 बजे। इसमें 5 अभियुक्तों को नामजद किया गया था। जब हमारी पुलिस ने गहराई से इसमें जांच की तो तथ्य कुछ अलग ही आए। ये हत्या उसी के करीबी रिश्तेदारों के द्वारा जमीन को बचाने के चक्कर में खारिज की गई, ऐसा मामला विवेचना प्रकाश में आया। और जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उसके करीबी रिश्तेदार हैं, उसके भाई हैं, उसके भतीजे हैं। इसी जमीन के चलते, इसी जमीन को बचाने के चलते ये हत्या खारिज की गई थी। उनसे बरामदगी की गई है असलाह की और घटना में प्रयुक्त जो भी अन्य सामान जिसके माध्यम से मिला था या तमंचा जिसके माध्यम से मिला था उसकी, उससे भी पूछताछ की गई गहराई से और उसको भी गिरफ्तारी की गई। कितने लोग शामिल थे इसमें सर? इस घटना में चार शामिल थे जिनकी गिरफ्तारी हुई। ओके सर। बाबा कड़ेरा सिंह विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी आवासीय स्कूल, ग्राम अखा, गोवर्धन सौंप मार्ग, मथुरा। यहां आपके बच्चों को मिलता है 50 एकड़ में फैला विशाल हरा भरा विद्यालय प्रांगण। सीबीएसई बोर्ड द्वारा 10 परीक्षार्थियों को विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, बोर्ड कक्षाओं का 100% परीक्षा फल, एनसीसी एवं एनएसएस की ट्रेनिंग, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, वातानुकूलित भोजनालय, पोषक शाकाहारी आहार, विद्यालय की निजी गौशाला से छात्र छात्राओं हेतु गाय के शुद्ध दूध की व्यवस्था, छात्रावास से विभिन्न 9 राज्यों के 550 छात्र छात्राएं अध्ययनरत, 24 घंटे अनुभवी गार्ड और गनमैन द्वारा कड़ी सुरक्षा, योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य। छात्रावास में छात्र की कुल फीस 80,000 से 1,00,000 तथा छात्राओं के लिए 60,000 से 75,000। अत्याधुनिक एवं सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, आर्ट और कंप्यूटर लैब के माध्यम से शिक्षण कार्य, करंट मैगजीन, न्यूज़पेपर और 5,000 से भी अधिक पुस्तकों से सुसज्जित विशाल पुस्तकालय। शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ साथ छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए 16 विभिन्न हॉबी क्लब जैसे योगा,
कुकिंग, जूडो कराटे, कॉइन कलेक्शन, इंडोर आउटडोर गेम्स और ओपन स्काई थिएटर। कक्षा 1 से 9 और 9 से 11 ऑल स्ट्रीम प्रवेश परीक्षा 18 मार्च 2018 रविवार सुबह 10 बजे से। तो जल्द कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 7055021012, 9557369469।